भर में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी आगे आए हैं हम सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे विश करने के लिए। स्पीकिंग ऑफ एडल्ट्स, स्विनी, यू बेटर क्रॉस योर फिंगर्स। ओके, बट व्हाई? आई जस्ट हर्ड कि हमारी अगली स्टोरी के लिए दीस वाइजेस वेंट एंड आस्क्ड आवर पेरेंट्स टू गिव देम अ मैसेज। व्हाट? ओह माय गॉड, वेरी बैड टाइमिंग। कल ही तो एग्जाम के रिजल्ट्स निकले थे। माय गॉड। मैम, आपके जग्या के वो बचपन के मेमोरीज क्या है जो आपके साथ है? वो शरारते, वो सब कुछ वो जो करता था? इसको थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। एक बार छोटा सा था केजी में, वो मुझे बिना बोल के मेरे इन-लॉज के घर में चला गया था और बीच में बहुत एक बिजी रोड आती थी तो वो रोड क्रॉस करके चला गया था। बोला भी नहीं था, दरवाज़ा खुला था और मुझे लगा कहाँ चला गया है। जब मैं इन-लॉज के घर में पहुँची तो ही वॉज़ देयर, तो तब उसकी धुलाई हुई थी। बच्चे का जो ग्रास रूट होता है वो है एजुकेशन। अगर वो स्ट्रांग है तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे, उतनी ही ज़िंदगी में आपकी तरक्की होगी, आप ऊपर बढ़ोगे, आप ज्ञानी बढ़ोगे और लोग आपका सम्मान करेंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मैं अलाहाबाद में रहती थी एंड आई वॉज लेक्चरर ओवर देयर एट MNR इंजीनियरिंग कॉलेज। सो व्हेन शी वॉज हार्डली 10 मंथ्स ओल्ड एंड शी वो खड़ा ही होना सीखी थी और पीछे से एक म्यूज़िक बज रहा था एंड शी स्टार्टेड डांसिंग ऑन दोज स्टेप्स एंड मेरी मॉम, मेरे डैड सब लोग आके उसको एकदम सराउंड कर गए और बोले कि ये देखो कैसे डांस कर रही है। और जैसे जैसे बीट्स बदल रहे थे ना, हर स्टेप्स वर ऑल्सो चेंजिंग। जब पहले चिल्ड्रंस डे आता था तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे शूटिंग में, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना भूल ही जाती थी, हमेशा मैं भूल जाती थी। और स्वीनी मेरे पास डिमांड करती थी और जब मैं नहीं देती थी और मैं भूल जाती थी तो वो मुंह फुला के, इतना बड़ा मुंह फुला के बैठ जाती थी और फिर मुझे सॉरी बोलकर उसको फिर से कुछ ना कुछ मनाना पड़ता था और गिफ्ट उसके लिए तुरंत ही जाके मैं लेकर आती थी। और अब ये बात है कि अभी स्वीनी इतना ज़्यादा शूटिंग में बिज़ी नहीं रहती है तो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है कि मैं उसको क्या दूंगी और कहाँ पर लेकर जाऊंगी। मैंने उसके लिए पूरा सरप्राइज पैकेज रखा है। बबे के बारे में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक बात उसकी ये थी कि जब वो सभी को किसी को भी काट के आता था, काट के आके फिर वो पेड़ के पीछे या किसी भी जगह पर जाके कान बंद खड़ा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये ज़रूर किसी को काट के आया है। और आज जब वो टीवी में शरारत करता है उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी यानी भव्य गांधी की तरफ से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे।